पैकिंग में मेरी हेल्प करवा रही है रानी, वो कुछ गरम स्वेटर्स वगैरह हैं, ये मेरे मरीना वगैरह के और विंटर्स के जो हैं वो ड्रेसेस हैं, काफ़ी सारे लेके जा रही हूँ। जितने स्टिच करवाए हैं वो, क्योंकि हो सकता है आमना और मरियम को पसंद आ जाए और वो रख लें। और साथ ही मैंने अभी किया है नाश्ता, तो बस अभी फटाफट पैकिंग, क्योंकि हमारा अब एक ही दिन रह गया है और काम काफ़ी सारे करने हैं, कुछ घर का सौदा सेल्फ वगैरह भी लेना है। एक किलो में दो मूलियाँ आई थी, मतलब लाइक गुड साइज, क्योंकि साथ ही पत्ते भी तोल के देते हैं। मेरा ख्याल है कल मूली और आलू के पराठे बनवा लूँगी, क्योंकि मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट आलू के पराठे पसंद हैं और मुजीब को मूली वाले, तो कल फिर ये कर लेंगे, बड़े दिन हुए हैं नहीं बनाए। ये जनाब हम मूलियाँ लाए हैं जो हमने कल मूली वाले पराठे बना खाने हैं, बाकी चीज़ें भी हम बट कढ़ाई के निकालते हैं और खाना खाते हैं। बट कढ़ाई बड़ी मजेदार, और ये मटन है, मटन ये है चिकन, इट्स गुड, अच्छी है, पहली दफा लेके आई है, पहली दफा लेकर आए, अच्छी है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। भाई दिवे जो इनका नाम है, हर एक, वैसे तो आजकल हर एक नहीं बट कढ़ाई लगाया हुआ। तो ये लास्ट नाइट जो हमने डिनर किया था वो है, और आज तो सारा दिन बस पैकिंग ही होती रही। पैकिंग हमारी जोरों शोरों पे है, और नीचे खाना डिनर पे आज हम बना रहे हैं मूली वाले पराठे और आलू वाले पराठे, और साथ है जनाब दाल, और उसके मैंने सोच रही हूँ कि बनने बनने तक ना थोड़ी पैकिंग अपनी कर लूँ। साथ चाय बनाई हुई है, अब तो मैंने पी ली है, बड़ा मज़ा आया मुझे। आपकी पैकिंग की क्या सिचुएशन है? तो मेरी पैकिंग, मैंने एक बक्सा, ये एक बक्सा मुजीब का वो वाला रेडी है, और ये उसके ऊपर मेरा सामान पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है सामान। तो मुजीब ने तो अपना सब कुछ पैक कर लिया है, मेरी अभी चीजें हैं, और मैं वैसे दो दो बक्से हैं, एक एक और भी हो जाएगा, है ना? हाँ। काफी जगह हो जाएगी, फिर हाँ, हैंड कैरी ना करें? नहीं, हैंड कैरी कर लेते हैं, फिर वापसी में जरूरत पड़ेगी तो फिर। हाँ, हैंड कैरी नहीं तो अगर ना जरूरत पड़ी तो आमना के उधर छोड़ देंगे। हाँ, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। तो ये सारे लिफाफे शफाफे अभी हमने पैकिंग के लिए रखे हुए हैं ना। हाँ, मुझे वो देखे, वो मैं अपने पजामे दिखा दूँ जो मैंने लिए हैं। हाँ, ये पजामास आर मस्ट, आई थिंक ये ब्रांड नहीं है, ये रेप्लिका है, थोड़े सस्ते मिल गए हैं, मतलब आपको इजीली ये मिल जाते हैं, मतलब ये कॉपी है ब्रांड की, अमेरिकन आर्मर की है ना। हाँ, और इतने सॉफ्ट हैं, बड़े अच्छे हैं, बाकी वो कितने अच्छे मुझे मिल गए। मैंने कहा ये बंदा ट्रैवल करते हुए बंदा पहन ले आराम से, ऊपर लंबा सा स्वेटर पहन ले तो ये बड़ा कंफर्टेबल रहता है। अब गरम है, देखें ये, देखें इधर से, ये गरम है। तो चलें, जो बाकी की पैकिंग रहती है वो भी कंप्लीट करके आपसे मुलाकात होती है, बल्कि नीचे खाने के टेबल पे फिर मुलाकात होती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पजामे पहनना शुरू हो गई हूँ मैं, तो असल में ये यार वहाँ पे मतलब प्रॉपर स्नोफॉल हुई हुई है। हाँ। और वैसे तो जितना कंफर्टेबल हमारा अपना ड्रेस है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई भी नहीं मुझे लगता, लेकिन वो वहाँ नहीं चलेगा। इतनी बर्फबारी में ना अपनी जो हमारी शलवार कमीज है, ठंड लगेगी, और ये मतलब इट्स अ ज़रूरत के एक बंद जूते और सॉक्स, और हालांकि यहाँ पर ठंड नहीं है, लेकिन जब हम वहाँ उतरेंगे तो वहाँ पर एक वो जो होती है ना चीरती हुई ठंडी हवा, वो आपके साथ शेयर करेंगे अभी। और ज़्यादा देर बाहर अगर हम खड़े रहें तो वो फ्रॉस्ट बाइट, मतलब लाइक कान नाक
शुरू हो जाती है, वो हो जाता है -20 degrees आजकल, बहुत ठंड हो गई है मुझे। 20-21 degrees आमना है जहाँ, वहाँ पर भी स्नोफॉल है, मुइज है वहाँ पर भी, और मरियम भी बता रही थी कि इतनी ठंडी हवा है कि मुझे वो बिल्कुल जो ड्रेस है अगर वो विंड ब्रेकर ना तो उसके बीच में से गुजरती है। इस तरह का गरम लोअर और फिर उसके ऊपर गरम स्वेटर और जैकेट हाथ में पकड़ लूंगी, वो वहां पर जहाज में तकिए के तौर पे भी यूज कर लूंगी, बड़ी सॉफ्ट सी है मेरी, और साथ बल्कि मैं प्रेफरेबली शॉल भी रख लूंगी बिल्कुल, ताकि जो है ना वो कोई चांस ही ना हो ठंड लगने की, मतलब ये ना हो कि यहाँ से हम बड़े जा रहे हो जी के जा रहे हैं वहां, और वहां जाते ही कोई जुकाम लगा के बैठ गए, है ना। बस अल्लाह खैर करेगा, दुआ करें। अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात एयरपोर्ट पे ही होगी, तो ये हमारा फाइनल हो रहा है आज, और अभी चल के खाते हैं खाना। क्या कहते हैं, कोविड का रख लें, वो जो हमारा वैक्सीनेशन का है, वैसे तो अब नहीं है लेकिन क्या पता कोई कहीं पूछ ही ले। हाँ मैंने मैंने मुझे भी ख्याल आते, मैंने वो रख लिए, कार्ड वगैरह रख लिए, और उनकी कॉपी भी कर रहा के रख लिए, पासपोर्ट की कॉपी रख ली है, वीजा की रख ली, आज का पूछते हैं लेकिन कोई पता नहीं है। और ये घर का कोई हाँ घर का प्रॉपर बंदोबस्त, गार्ड शार्ड वगैरह होंगे, पीछे केयर टेकर होंगे, और सफाई करने वाले, सफाई वाला भी आया करेगा डेली। चलिए ये तो मुझे यहाँ की तो तसल्ली है कि यहाँ पे सारा सेट रहेगा इंशाल्लाह, और वहाँ का भी अच्छा रहे अल्लाह करे इंशाल्लाह। एक चीज तुम मिस कर गई हो कि जी हम जाना है तो किस तरह जाना है एयरपोर्ट। हाँ हाँ वो गाड़ियों का क्या, वो मैंने कर लिया, वो भी मैंने मेट्रो से अरेंज कर लिया। अच्छा अच्छा, वो इंशाल्लाह पहुंच जाएगी। हाँ ये बल्कि जैसे पहले हम करते हैं, वेरी गुड अरेंजमेंट पाकिस्तान में मेट्रो वाली। हाँ टाइम पे आते हैं, अच्छी गाड़ी लाते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन अच्छी गाड़ी में हमारे बक्से आ जाएंगे चार। हाँ आ जाएंगे, लास्ट टाइम भी यही थी, आराम से आ गए थे। चलो ठीक है ना, ये आ गया हमारा। रानी बनाकर लाई है ये मेरे लिए आलू का पराठा, क्योंकि मुझे पसंद है आलू का पराठा। इसको खोल के ये देखें, वाओ बड़ा ही अच्छा बना के लाई है। और ये बना के लाई है मुजीब के लिए मूली वाला पराठा, ये जरा खोल के दिखाएं। इसको ओपन करें, ये लो जी ये मूली वाला पराठा, बड़ा करारा सा लग रहा है। और रानी अचार भी दे दे। अच्छा, और ये जो कल की कढ़ाईज हैं वो बची हुई हैं, तो बड़ा मजा आने लगा है, और दही भी हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, कैसा है? बड़ा मजेदार है, और चार के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। नहीं ये कढ़ाई के साथ भी मजेदार लग रहा है। कल पता है आपको कढ़ाई मजे की नहीं लग रही थी, लेकिन है एक्चुअली बहुत मजे की है। सबसे ज्यादा मजा आता है और उधर ही बैठ के आदमी का है, बड़ा अच्छा इसने क्रिस्पी पराठा बनाया बेटी। अच्छा मेरे ख्याल में एक मूली वाला और बनवा के हाफ ऑफ कर लेते हैं, वो बड़ा मेनू चखा है। अभी मैं आलू वाला ट्राई करें। मुझे नहीं, छोटी 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 इतनी चीजें पैक कर रही हूँ, जो भी मेरा दिल करता सारा कुछ ही पैक कर रही हूँ। जो जो छोटी चीजें याद है वो कर रहे चाहिए, क्योंकि उधर जाके फिर आदमी सोचता है कि यार फलानी चीज नहीं, फलानी चीज नहीं। हाँ मतलब पहुंचते ही अपनी चीजें मिल जाए, है ना, क्रीम श्रीम बाकी तो जो वहां से भी बंदा खरीद लेता है खरीद लेता है। और या तो जगह ना हो, जगह भी है तो व्हाई नॉट आदमी कर ले। बस मैं तो खाना खा के सब कुछ कंप्लीट करने लगी हूँ, मेरी टेंशन खत्म हो। ठीक है ना, और व्यूअर्स आप लोग भी हमारे सफर के लिए खैरियत से गुजरे दुआ करें। तो अब मुलाकात होगी मेरे ख्याल में सबके साथ एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट पे इंशाल्लाह। एयरपोर्ट पे एंड व्हाइल ट्रैवलिंग, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टिल नेक्स्ट व्लॉग, अब अल्लाह हाफिज़। अरे ये जो पराठा खाया आपने ये कैसा था? बहुत अच्छा था। क्यों तूने बनाया था? सर ये मैंने बनाया था। गुड पराठा, वेरी नाइस, बड़ा अच्छा पराठा बनाया, ड्राइवर होके वो भी। और ये जो बाजी खा रही है ना, ये भी आधा जोड़ा मैंने बनाया और आधा रानी ने बनाया, ये भी बहुत मजे का, ये भी बहुत मजे का। वाह भाई वाह, ये तो एक्सपर्ट हो। हम यानी कि कुकिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बस क्लास बिल्कुल।